जैन साथियों, जैन मैं सभी का भारतपुर के आपसी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आरआरबी एलपी के लिए जो परिवर्तन बैच चलाया गया है उसका पार्ट नंबर हम लोग 9 शुरू करने जा रहे हैं। तो साथियों, हम क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो क्या करेंगे, लाइक करेंगे। आज हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 9 शुरू करने वाले हैं। साथियों, हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो क्या करेंगे, लाइक करेंगे। साथियों, इतना काम आप जल्द से जल्द करेंगे ताकि हम लोग वीडियो क्या करें, प्रारंभ कर सकें। तो आइए साथियों, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर अपने एक की तरफ कि प्रश्न नंबर एक क्या दिया गया है। आइए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न नंबर एक की तरफ। साथियों, प्रश्न नंबर एक आपका दिया गया है। बताएंगे आप इसका सही आंसर क्या होगा। दिया गया विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, प्रश्न बहुत ही लाजमी है, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों का सही आना चाहिए कि विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, यदि प्रश्न के सही आंसर की बात करेंगे तो विश्व आर्द्रता भूमि दिवस आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस का, आप लोगों का जवाब क्या होगा, विश्व कैंसर दिवस। बताएंगे साथियों कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। और इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए विश्व जनसंख्या दिवस पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, विश्व जनसंख्या दिवस, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। और फिर उसी प्रकार आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, क्या हो जाता है, विश्व एड्स दिवस पूछ लिया जाए आपसे, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा। और उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि मानवाधिकार दिवस, क्या पूछ लिया जाए, विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा। तो साथी बताएंगे कि आप लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। साथियों, सभी दोस्तों का सही आंसर आना चाहिए। यदि बात करें विश्व मानवाधिकार दिवस की तो आपका हो जाएगा 10 दिसंबर, क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 फरवरी, क्या हो जाएगा, 4 फरवरी। आप अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 जुलाई, क्या हो जाएगा साथियों, 11 जुलाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद बात करेंगे विश्व एड्स दिवस की तो आपका हो जाएगा 1 दिसंबर, क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से नोट करेंगे, क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। साथियों, आइए चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की तरफ। साथियों, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि भारत में कुल कितने राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। साथियों, प्रश्न का आंसर बताएंगे, आप लोगों का आंसर रुकना नहीं चाहिए, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का कि भारत में कुल कितने राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। बात करेंगे इस प्रश्न के सही आंसर की, साथियों बात करेंगे इस प्रश्न के सही आंसर की तो आपका हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, 15। भारत में कुल 15 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। साथ ही यदि बात करेंगे किन किन राज्यों को, मतलब कि इसके अंतर्गत किन किन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं राज्य, कि उनको विशेष दर्जा प्राप्त किया जाता है। पहला आपका होता है पहाड़ी क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। पहला आपका हो गया, क्या हो गया, पहाड़ी क्षेत्र। और फिर उसके बाद बात करेंगे आपका एक हो गया आदिवासी, इसके अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं, आदिवासी आते हैं साथियों। फिर उसके बाद आपका आता है कमजोर वर्ग, क्या होता है, कमजोर वर्ग जो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कमजोर वर्ग जो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इनको क्या दिया जाता है, इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। क्या करेंगे, अच्छी तरीके से साथियों नोट करेंगे इस बात को, अच्छी तरीके से इस बात को क्या करेंगे, नोट करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ अपने। प्रश्न नंबर 3 आपका दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 आपका दिया गया कि जून 2017 में गठित कस्तूरी रंजन समिति का संबंध है। साथियों, प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया आपके कई एग्जाम, जैसे कि बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षाएं हुई थी उन परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न यह कि जून 2017 में गठित कस्तूरी रंजन समिति का संबंध है। बात करेंगे इस प्रश्न के सही आंसर की, साथियों बात करेंगे इस प्रश्न के सही आंसर की तो आपका हो जाएगा शिक्षा, क्या हो जाएगा, शिक्षा।
शिक्षा हो जाए। कस्तूरी रंजन समिति किससे संबंधित थी? तो कस्तूरी रंजन समिति शिक्षा से संबंधित थी। जैसे कि बात करेंगे एनईपी की, क्या बात करेंगे एनईपी की बात करेंगे साथियों, क्या बात करेंगे एनईपी क्या हो जाएगा, एनईपी नेशनल क्या हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन क्या हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन हो जाएगा साथियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है साथियों आप लोग जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई। बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई आपका आया था साथियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई कब आया था, 29 जुलाई 2020 को क्या आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, कब आया था तो 29 जुलाई 2020 को क्या आया था, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था। बात करेंगे इसका क्या पूरा ब्यौरा था साथियों, तो आपको आता है चार प्लस तीन प्लस चार यह क्या थी, यह पॉलिसी थी, क्या थी यह पॉलिसी थी। तो साथियों फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद एक बात की और साथियों, फिर उसके बाद आइए थोड़ा और जानकारी लेते हैं इसके बारे में, आइए थोड़ा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि सबसे पहले एनईपी को क्यों, कौन सा राज्य चालू मतलब लागू किया था, एनईपी को लागू करने वाला प्रथम राज्य क्या हो जाता है, प्रथम राज्य कौन लागू किया था एनईपी को, अद्वितीय राज्य कौन हो जाता है। सभी साथी बताएंगे कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी होता है इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो जाता है और इसे लागू करने वाला द्वितीय राज्य कौन सा हो जाता है। बात करेंगे प्रथम राज्य की, बात करेंगे साथियों यदि प्रथम राज्य की, तो प्रथम राज्य आपका हो जाएगा कर्नाटक, क्या हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला प्रथम राज्य आपका हो जाएगा कर्नाटक। द्वितीय राज्य की बात करेंगे तो द्वितीय राज्य आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपके लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है साथियों, यह प्रश्न आपके लिए क्या हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए थोड़ा बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री कौन है। यदि शिक्षा से संबंध से कोई प्रश्न आए तो शिक्षा मंत्री पूछ लिया जाए, यदि आपसे शिक्षा मंत्री पूछ लिया जाए कि शिक्षा मंत्री कौन है इस समय, तो आपका सही आंसर क्या आएगा, आपका सही आंसर आएगा धर्मेंद्र प्रधान, क्या आएगा धर्मेंद्र प्रधान आपके क्या है वर्तमान में शिक्षा मंत्री, क्या है वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान हो जाते हैं। इसको क्या करेंगे अच्छी तरीके से नोट करेंगे और नोट करते हुए आइए हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर चार दिया गया है, प्रश्न नंबर चार दिया कि भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। साथियों प्रश्न बहुत ही आसान है, अब आप लोगों से हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न का गलत जवाब आप लोग नहीं देंगे, साथ ही बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है, कौन सा ऐसा राज्य जहां से यमोत्तर रेखा नहीं गुजरती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अब कितने राज्यों से होकर गुजरती है यदि बात करेंगे भारत के कितने राज्यों से यमोत्तर रेखा गुजरती है, तो आपका हो जाएगा कुल कितना राज्य, आपका हो जाएगा कुल चार राज्य, कितना हो जाएगा कुल आपका हो जाएगा साथियों कितना राज्य हो जाएगा, तो कुल आपका हो जाएगा चार राज्य। पहला आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा पहले की बात करेंगे तो पहला आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश साथियों, पहला आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा दूसरा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा साथियों, दूसरा आपका क्या हो जाएगा तो दूसरा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसी प्रकार बात करेंगे तीसरा आपका हो जाएगा उड़ीसा, क्या हो जाएगा तीसरा आपका हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा तीसरा आपका हो जाएगा उड़ीसा। चौथे की बात करेंगे तो चौथा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा चौथा आपका हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा चौथा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो एक ऐसे राज्य जहां से यमोत्तर रेखा गुजरती है और महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। साथियों क्या करेंगे अच्छी तरीके से क्या करेंगे नोट करेंगे, अच्छी तरीके से क्या करेंगे तो अच्छी तरीके से आप क्या करेंगे साथियों अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे नोट करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पांच की तरफ कि प्रश्न नंबर पांच क्या दिया गया है साथियों, क्या करेंगे प्रश्न नंबर पांच का सही आंसर बताएंगे साथियों, प्रश्न नंबर पांच का सही आंसर बताएंगे कि प्रश्न नंबर पांच का आंसर क्या होगा।
सातवें प्रश्न नंबर पांच आपका दिया गया है, सातवें प्रश्न नंबर पांच आपका दिया गया है कि नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी किसका एक भाग है साथियों, बताएंगे आप लोग, बताएंगे नंदा देवी चोटी किसका एक भाग है। बात करेंगे इस प्रश्न के सही आंसर की तो आपका है गढ़वाल हिमालय का, जगह नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का एक भाग है, तो गढ़वाल हिमालय क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। गढ़वाल हिमालय क्या हो जाएगा साथियों आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। पंजाब हिमालय दिया गया, पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कश्मीर हिमालय, किस हिमालय को कश्मीर हिमालय कहा जाता है तो पंजाब हिमालय, किस हिमालय को पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है आरआरबी की परीक्षाओं में, आरआरबी की परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। आइए साथियों, यदि नदियों के आधार पर हिमालय के भाग हम सब करेंगे कि नदियों के आधार पर हिमालय के कितने भाग होते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं। नदियों के आधार पर हिमालय के भाग, नदियों के आधार पर हिमालय के भाग साथियों क्या करेंगे अच्छी तरीके से इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नदियों के आधार पर हिमालय के क्या हो जाते हैं भाग हो जाते हैं। तो जैसे कि साथियों आपका हम यहाँ बना दे रहे हैं हिमालय, जैसे कि मान लो हम यहाँ एक हिमालय की संरचना बना दे रहे हैं, अब फिर उसके बाद इसके हम भाग यदि करेंगे, आइए फिर इसके बाद यदि हम इसके भाग करेंगे साथियों, तो इसका पहला भाग आपका हो जाता है, इसका पहला भाग आपका हो जाता है सिंधु, क्या हो जाता है सिंधु हो जाता है, क्या हो जाता है इसका पहला भाग आपका हो जाता है सिंधु, और हिमालय आपका हो जाता है पंजाब हिमालय, क्या हो जाता है आपका हो जाता है पंजाब हिमालय, क्या हो जाता है पंजाब हिमालय, नदियों के आधार पर हिमालय के भाग। फिर उसके बाद यदि भाग करेंगे, आइए फिर उसके बाद यदि हम भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों सतलज, क्या हो जाएगा सतलज हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा सतलज, सतलज हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि हिमालय की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कुमायूं हिमालय, क्या हो जाएगा कुमायूं हिमालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुमायूं हिमालय हो जाएगा। अच्छी तरीके से साथियों ध्यान में रखेंगे, अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद यदि भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा काली, क्या हो जाएगा काली हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा काली। और हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय आपका हो जाएगा नेपाल हिमालय, क्या हो जाएगा नेपाल हिमालय हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि भाग करेंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा तीस्ता, क्या हो जाएगा तीस्ता हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा तीस्ता हो जाएगा। और यदि बात करेंगे हिमालय की तो आपका हो जाएगा हिमालय असम हिमालय, क्या हो जाएगा असम हिमालय हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ब्रह्म, क्या हो जाएगा ब्रह्म हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। हिमालय की बात करेंगे तो केबुल लामजाओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा केबुल लामजाओ। अच्छी तरीके से क्या करेंगे नोट करेंगे। तो ये रहा नदियों के आधार पर हिमालय के भाग साथियों, क्या रहा नदियों के आधार पर हिमालय के भाग, अच्छी तरीके से क्या करेंगे नोट करेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नेपाल में हिमालय को क्या कहा जाता है, सॉरी साथियों नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा
तो आप लोगों का आंसर आएगा सागर माथा, सागर माथा या प्रथम भी कई बार पूछा गया है। तो क्या करेंगे, अच्छी तरीके से नोट करेंगे, आप नोट करते हुए क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को, कि प्रश्न नंबर 6 क्या दिया गया है। साथियों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, यदि ये लग रहा हो कि कंटेंट में कुछ दमदार है, कि कंटेंट कुछ दमदार हो, तो आप लोग क्या करेंगे, अंगूठा उका उठाकर वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। साथियों प्रश्न नंबर 6 दिया है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है। साथियों प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है। आपका दिया गया है क ओल ए रहू, क्या दिया गया, क ओल ए रहू। साथियों इसमें कुछ छोटी ओलेरु रहेगा, क्या रहेगा, ओलेरु। साथियों इसको सही करेंगे, ओलेरु क्या रहेगा, ओलेरु, ओलेरु उड़ीसा, डिडवाना हरियाणा, उदय सागर आंध्र, लोकर टक आपका देगा मणिपुर। सही बताएंगे कि कौन सा जोड़ी सुमेलित है। बात करेंगे साथियों, बात करेंगे जोड़ी की, तो आपका जगह लोकर तक कहां पर है, मणिपुर। एकदम क्या है, सही दिया गया है, एकदम क्या दिया गया साथियों, तो एकदम क्या दिया गया, सही दिया गया है। बात करेंगे यदि उदय सागर, तो उदय सागर की बात करेंगे, तो उदय सागर आपका हो जाएगा राजस्थान, कहां पर है उदय सागर आपका हो जाएगा राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान। उदय सागर कहां पर है, तो उदय सागर राजस्थान में। डिडवाना की बात करेंगे साथियों, तो डिडवाना आपका हो जाएगा राजस्थान, डिडवाना भी कहां है, तो डिडवाना भी आपका हो जाएगा राजस्थान, कहां पर हो जाएगा, डिडवाना आपका हो जाएगा राजस्थान। फिर कोलेरू की बात करेंगे, तो कोलेरू आपका हो जाएगा मणिपुर, क्या हो जाएगा, तो सही कहते हो, कोलेरू की बात करेंगे तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, कोलेरू आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अच्छी तरीके से क्या करेंगे, नोट करेंगे, अच्छी तरीके से क्या करेंगे, नोट करेंगे। आए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगाता है। साथियों बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगाता है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा बताएंगे, तो आप लोगों का आंसर सही आएगा साथियों इराक, क्या हो जाएगा, इराक। इराक जो देश है यह कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगाता है, क्या हो जाएगा आपका, इराक हो जाएगा। आइए इसके लिए एक ट्रिक बनाते हैं, आइए इसके लिए एक ट्रिक बनाते हैं, तो ट्रिक आपका हो जाएगा ए ट्रिक, क्या हो जाएगा, ए ट्रिक, ए ट्रिक, कि कौन से देश कैस्पियन सागर से सीमा लगाते हैं, तो ए से आपका हो जाएगा अजरबैजान, क्या हो जाएगा, ए से आपका हो जाएगा अजरबैजान। और फिर उसके बाद यदि बात करेंगे टी से, तो आप तुर्केस्तान, क्या हो जाएगा, तुर्के, क्या हो जाएगा साथियों, तुर्केस्तान। तुर्कमेनिस्तान, क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। आर से बात करेंगे, तो आर से आपको हो जाएगा रसिया, क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। आई से बात करेंगे, तो आई से आपको हो जाएगा ईरान, क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। सी से बात करेंगे, तो सी से आपको हो जाएगा कैस्पियन, क्या हो जाएगा, कैस्पियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैस्पियन हो जाएगा। के से बात करेंगे, तो के से आपको हो जाएगा कजाकिस्तान, क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान। तो इतने देशों से कैस्पियन सागर क्या करता है, सीमा लगाता है। अच्छी तरीके से क्या करेंगे, नोट करेंगे, अच्छी तरीके से क्या करेंगे साथियों प्यारे, नोट करेंगे। बात करेंगे अजरबैजान की राजधानी आपका हो जाएगा बाकू, अजरबैजान की राजधानी क्या हो जाएगा, तो अजरबैजान की राजधानी आपका हो जाएगा बाकू। ईरान की बात करेंगे, यदि ईरान की बात करेंगे, तो ईरान आप क्या हो जाएगा साथियों,
ईरान तेहरान, इराक बगदाद, इराक क्या हो जाएगा तो बगदाद हो जाएगा। कजाकिस्तान की बात करेंगे तो नूर सुल्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा नूर सुल्तान हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से आप क्या करेंगे नोट करेंगे, क्या करेंगे अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे नोट करेंगे। यदि अजरबैजान की राजधानी पूछेगा हो जाएगा बाकू, ईरान का तेहरान, इराक का बगदाद, कजाकिस्तान आपका हो जाएगा नूर सुल्तान, क्या हो जाएगा नूर सुल्तान हो जाएगा। प्रश्न नंबर आठ दिया गया साथियों, प्रश्न नंबर आठ दिया, केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। सभी साथी बताएंगे कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा सही आंसर श्रीनगर हवाई अड्डा, क्या हो जाएगा श्रीनगर हवाई अड्डा। भारत में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, सभी साथी बताएंगे कि भारत में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताएंगे साथियों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कितने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। यूपी की बात करेंगे, यूपी में कितने हैं, तो यूपी में आपका हो जाएगा 5, जो सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है। यदि भारत का पूछेगा 5 हो जाएगा, सबसे अधिक पूछेगा आपका हो जाएगा वो यूपी, और यूपी में कितने, यूपी में आपका हो जाता है 5 हो जाता है, कितना हो जाता है 5 हो जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ, दिया गया भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बताएंगे साथियों, बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करेंगे तो प्रथम लाइकेन पार्क, फर्स्ट लाइकेन पार्क कहाँ बन रहा है, तो फर्स्ट लाइकेन पार्क कहाँ पर स्थित आपको हो जाएगा उत्तराखंड, क्या हो जाएगा उत्तराखंड। यदि बात करें गंगा अवलोकन संग्रहालय यदि पूछ लिया जाए गंगा अवलोकन संग्रहालय कहाँ है, तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड, क्या हो जाएगा उत्तराखंड। फर्स्ट लाइकेन पार्क आपका हो जाता है उत्तराखंड, इसको अच्छी तरीके से नोट करेंगे। दिया गया प्रश्न नंबर 10, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। बताएं साथियों कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपका हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा, क्या हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा। साथियों यदि बात करेंगे विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, स्थापना की बात करेंगे, यदि स्थापना की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, यदि स्थापना की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 1973, क्या हो जाएगा 1973 में क्या हुआ था स्थापना हुआ था। अब जबकि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा 10 दिसंबर, क्या हो जाएगा 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छी तरीके से क्या करेंगे नोट करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, दिया गया कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था। सभी साथी बताएंगे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बात करेंगे प्रश्न के सही आंसर की, आपका हो जाएगा प्रश्न के सही आंसर की बात करेंगे साथियों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आगरा, क्या हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों आगरा हो जाएगा। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था आपका आगरा। प्रश्न नंबर 12 दिया कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। सभी साथी बताएंगे कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सन 1969, क्या हो जाएगा सन 1969 हो जाएगा। यदि पूछ लिया जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा 1 जनवरी, क्या हो जाएगा 1 जनवरी सन 1949 को आरबीआई का क्या हुआ था राष्ट्रीयकरण हुआ था। बात करेंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ साथियों, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1900
69 में हुआ था, कब हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में हुआ था। जबकि बात करेंगे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बात करेंगे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो हो जाता है 1980। क्या हो जाता है, सन 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जबकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण समझते साथियों मतलब कि किसी भी प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक में कन्वर्ट करना ही राष्ट्रीयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी भी प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीयकरण कहलाता है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ, यह तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है, बताएंगे कि तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। क्या हो जाएगा, ग्वालियर में तानसेन समारोह मनाया जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक किसानी त्योहार है, सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसानी त्योहार है। तो किसानी त्योहार आपको पता है लोहड़ी। क्या हो जाता है, लोहड़ी। कहाँ मनाया जाता है, राज्य की बात करेंगे तो राज्य आपका हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। अच्छी तरीके से क्या करेंगे, नोट करेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को, इंडिका किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, बताएंगे साथियों कि इंडिका किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा साथियों, तो मेगास्थनीज आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि साथियों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अंगूठा दबाकर क्या करेंगे, लाइक करेंगे। साथियों मिलते हैं आप सभी से आगे के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।